भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से रविवार को विजय चौक स्थित एक होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया का व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर अजय अग्रवाल, निखिल मोटानी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान सुधीर हलवासिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने निरंतर समाज के हित में कदम उठाते हुए GST में रियायतें हैं, जो कि व्यापारियों को बड़ी राहत देगी। छोटे व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। इस अवसर पर व्यापार प्रकोष्ठ के सोमू निगम, वृंदावन शर्मा, उमेश अग्रहरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया ने कहा, साढ़े 4 लाख करोड़ का तो निवेश प्रदेश में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसमें पिछले 10 वर्ष में 50,000 करोड़ का भी निवेश नहीं आया, पिछले 10 वर्ष में नहीं आया। तो इसके लिए बहुत स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, केंद्र की मोदी सरकार निरंतर समाज के हित में कदम उठा रही है और हाल ही में GST में 2 रियायतें ऐसी दी गई हैं जो कि व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है। जो छोटे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 लाख रखी गई थी, उसे बढ़ा के 40 लाख किया गया है और जो कंपोजिशन की सीमा 1 करोड़ की गई थी, उसको 1.5 करोड़ किया गया है। इससे ये दर्शाया गया है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए सरकार ये कदम उठा रही है और एक प्रकार से ये बड़ा तोहफा व्यापारियों को दिया गया है। देखिए, जो नित निरंतर योजनाएं सरकार की आ रही हैं और एक या दूसरे प्रकार में जनता के हित में सरकार काम कर रही है, अभी अगले महीने बजट भी आना है और निश्चय ही जनहित में वो बजट भी आएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। जी, इंडियन नेशनल ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 7th नेशनल चैम्पियनशिप गोरखपुर क्लब में आयोजित की गई है, जो कि कार्यक्रम कल, आज और कल 3 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेके दृष्टि बाधित और बधिर बच्चे करीब 750-800 प्लेयर आए हैं। उसी चैम्पियनशिप के संबंध में मैं आया था और आज यहाँ पर आप सबसे मिलने का मौका मिला। धन्यवाद।